सुंदरवन के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। एक रात टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के पास बैठी थी। माँ जी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू जा, रात बहुत हो चुकी है, कालू तेरा इंतजार कर रहा होगा, अगर तू नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा, ठीक है? माँ जी मैं जा रही हूँ, आप सो जाइए, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज लगा देना। टुनटुनी अपने कमरे में आ जाती है। अजी सुनते हो, सो गए क्या? सो नहीं तो और क्या करूँ, मेरी परवाह तो तुम्हें है ही नहीं, दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो और रात को माँ जी की सेवा में, मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय है ही नहीं। अरे बाप रे, आप मुझसे इतना नाराज हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों का जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह काम पर चला जाता है। माँ जी ये सुबह सुबह कालू जी कहाँ चले गए? मैंने इन्हें पूरे घर में छान मारा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले, क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा था क्या? हाँ बहू, वो अपने काम पर चला गया, उसे अपने दफ्तर में कुछ जरूरी काम था, वैसे कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा था। रात तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? नहीं माँ जी, लड़ाई तो नहीं हुई पर वो मुझसे थोड़े नाराज हैं। बहू तू हर समय मेरी सेवा में लगी रहती है, अपने पति पर भी थोड़ा ध्यान दिया कर। उधर कालू अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका बॉस कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। क्या बात है कालू, आज तुम्हारा मन काम करने में नहीं लग रहा है, घर में पत्नी से झगड़ा कर आए हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, अपना काम मन लगा कर करो। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। शाम को जब कालू अपने घर आता है तो वो देखता है कि घर पर टुनटुनी की सहेली पिंकी आई हुई है। ये कौन है टुनटुनी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे जीजू, मैं टुनटुनी की सहेली पिंकी हूँ और मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। कहिए, आपको मुझसे कौन सा जरूरी काम है? वो ऐसा है जीजू, मेरे पापा की एक फाइल आपके ऑफिस में अटकी पड़ी है, बस उस पर आपका सिग्नेचर चाहिए। वैसे तो ऑफिस का चक्कर मेरे पापा ही लगाते, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ खराब है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है पिंकी जी, आपका काम हो जाएगा, आप कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए। कालू कौवा पिंकी की खूबसूरती और उसकी मीठी मीठी बातों का दीवाना हो गया था। अगले दिन पिंकी कालू के ऑफिस आती है और अपना काम करवा लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा को नाश्ता करवाती है, तभी उसका पति कालू कौवा उसकी तारीफ करते हुए कहता है, टुनटुनी तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने बाहर का खाना खाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो कि बाहर का खाना तो मुझे फीका लगता है। बस बस, आपको तो मौका चाहिए अपनी पत्नी की तारीफ करने का, बस पत्नी को चाहिए भी क्या, जब से आप भी मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी भी बड़ी हसीन हो गई है, अपने पति की तारीफ जो सुनने को मिलती है इतनी। अरे टुनटुनी, अब जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी टुनटुनी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया आती है और वो टुनटुनी से कहती है, हाय टुनटुनी, कैसी है तू? दे दिया ना मैंने तुझे सरप्राइज? हाँ यार, दे दिया तूने मुझे सरप्राइज, वैसे अचानक से सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ टुनटुनी सब ठीक है, मैं बस तुझसे यहाँ मिलने आई हूँ, मैंने सोचा कि अब आई गई हूँ तो तेरे साथ कुछ दिन रहकर जाऊं, अगर तुझे ठीक लगे तो ज्यादा नहीं सिर्फ एक हफ्ता रहकर जाऊंगी। अरे पिंकी तू रह लेना, तुझे जितने दिन रहना है। और बताइए जीजू, कैसा लग रहा है मेरी फ्रेंड के हाथों का नाश्ता? बहुत टेस्टी बनाती है ये। हाँ पिंकी, ये बात तो तुमने एकदम ठीक कही, बहुत टेस्टी बनाती है टुनटुनी नाश्ता।
टुनटुनी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसे इतना स्मार्ट पति मिला है और उसे कितना प्यार करता है। मेरे सामने भी उसकी तारीफ कर रहा है। आजकल लोग कितनी बुराइयां करते हैं अपनी बीवी की। काश कालू जैसा हस्बैंड मेरा भी होता तो कितना अच्छा होता। हे भगवान, क्या किस्मत लिखी है तुमने। तभी कालू पिंकी से बोलता है, देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो कहीं खोई खोई हो। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर कालू कब अपने ऑफिस चला जाता है। दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करने लगती हैं। तभी पिंकी टुनटुनी से कहती है, वैसे टुनटुनी कालू तेरा अच्छे से ख्याल तो रखता है ना? मेरा मतलब है कि शादी के बाद बहुत से हस्बैंड बदल जाते हैं, लेकिन कालू ऐसा तो नहीं है ना? अरे पिंकी, तू ये कैसी बातें कर रही है? कालू जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, पर उनका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत लकी है तू जो तुझे कालू जैसा पति मिला। लेकिन तूने वो तो सुना होगा कि समय बहुत बलवान होता है, कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन अगर समय के साथ प्यार बदल जाए तो वो प्यार ही क्या। और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसे नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अब तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही शाम को कालू घर आता है। कालू बहुत परेशान था। तब पिंकी उसके पास आकर कहती है, अरे जीजू, आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे पिंकी, मैं क्या बताऊँ, मेरी नौकरी छूट गई और घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आराम से बैठ जाऊँ और काम ढूंढ लूँ। घर की कंडीशन खराब हो जाएगी बिना काम के। अरे जीजू, आपको टेंशन करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना आपके साथ। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं उनकी इकलौती मालकिन हूँ, उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस की। इतना तो हक बनता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच पिंकी। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। टुनटुनी ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेती है और मैं नहीं चाहती कि उसे टेंशन हो। आप और मैं मिलकर सब सेट कर लेंगे, फिर बता देंगे, है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो पिंकी। इसी तरह उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और कालू अब जब भी घर आता तो वो बहुत खुश होता था। उसे इतना खुश देखकर टुनटुनी राहत की सांस लेती है। लेकिन उसे क्या पता था कि कालू के मन में कुछ और ही चल रहा है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, काफी दिन हो गए हम साथ में मिलकर फिल्म देखने नहीं गए। अगर आपके पास समय हो तो आज हम फिल्म देखने चलते हैं। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। वो टुनटुनी चिड़िया को डांट देता है और अगले ही दिन पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। ये तूने क्या किया कालू बेटा, अपनी ही पत्नी की सहेली को उसकी सौतन बनाकर घर ले आया। कालू जी, मैंने आपकी कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। अगर आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और तू तो मेरी सहेली है ना, तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। चल हट, अब मैं तेरी कोई सहेली नहीं, तेरी सौतन हूँ। सौतन, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा इस घर से। तू क्या मुझे इस घर से निकालेगी, मैं खुद ऐसे पति के साथ रहना नहीं चाहती। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी सास सुंदरी भी उसके साथ चली जाती है। और फिर दोनों सास बहू अपना अलग घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। आगरा के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। राजू कौवा अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करता था, उसे तो बस बेटा ही चाहिए था।
सुनहरी के जन्म के एक साल बाद राजू कौवा अपनी दूसरी शादी करके अलग घर बसा लेता है। इधर टुनटुनी चिड़िया को कुछ दिनों से चक्कर आ रहे थे, वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है। आप माँ बनने वाली हैं, इसी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? अब तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है, एक बेटी पहले से ही है, अब दूसरी आ जाएगी, कैसे मैं दोनों का पालन पोषण करूंगी? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी के पास जाती है। अरे बिटिया, यहाँ अकेली आई है क्या? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली, अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उनके जाने के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। लेकिन बिटिया, तू एक साथ दो दो बच्चों को कैसे पालेगी? मैं तो तेरा सोचकर बहुत परेशान हूँ। एक तो वो नासमिटा करमजला कौवा तुझे छोड़कर चला गया। माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी और अपने बच्चों को पाल लूंगी। ठीक है बिटिया, जैसा तू ठीक समझे। टुनटुनी पड़ोस के घरों में काम करने लगती है। एक दिन वो काम पर जाने को होती है कि तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होता है और वो एक अंडा दे देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आती हूँ, आप मेरे अंडे की देखभाल करना, मैं सुनहरी को अपने साथ ले जा रही हूँ। चल सुनहरी, वापस काम से आते समय मैं तेरा दाखिला स्कूल में करा दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी एक और बच्चे की माँ बन जाती है। उधर सुनहरी स्कूल में पढ़ने लगती है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं, सुनहरी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। और उसका छोटा बेटा कालू भी पढ़ लिख कर एक कारखाने में काम करने लगता है। बेटा कालू, आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तू बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तू मुझे बस एक बहू ला दे, इस घर में एक बहू की कमी है। तेरी बहन की शादी हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कालू शादी के लिए मान जाता है और अपने ही कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने पति कालू को लेकर शहर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया भी शहर आ जाती है। उसकी बहू पिंकी उसका जीना हराम कर देती है और उस पर बहुत सारे उल्टे सीधे आरोप लगाकर कालू के कान भरती रहती है। मैं माँ को कितना समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो और थोड़ा अच्छा रखरखाव रखा करो। जब आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने ये नौकरानी रखी है, ये जानबूझकर हमारी बदनामी करवाती हैं। हाँ पिंकी, तुम एकदम ठीक कहती हो, हमारी इस शहर में कितनी पहचान है और ये उसे गिराने में लगी हुई हैं। इससे तो अच्छा है कि हम इन्हें गांव भेज देते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। फिर कालू को अपनी माँ के पास आता है और उनसे कहता है, माँ आप ऐसा करो, आप गांव में जाकर रहो, मैं आपके खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूँगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूँगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया गांव चली जाती है। अचानक एक दिन कालू कौवा बीमार होता है और अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पिंकी, मेरे सीने में छेद है और अब मेरा अंतिम समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत दिल नहीं डाला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है।
वो पूरी कोशिश करता है, दोस्त रिश्तेदार परिचय सबसे कहता है, लेकिन उसे कहीं भी दिल नहीं मिलता और ना ही उसे कोई दान करते हुए मिलता है। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है तो वो दौड़कर डॉक्टर के पास आती है और उससे कहती है, डॉक्टर मेरे बेटे का दिल खराब है तो आप मेरा दिल निकालकर मेरे बेटे के डाल दीजिए। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और हाँ, उसे ये बात मत बताना कि मैंने अपना दिल दिया है। ठीक है बहन जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर डॉक्टर टुनटुनी का दिल निकाल कर कालू कौवे के डाल देती है, जिससे कालू कौवा ठीक होकर घर आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, देख लिया ना तुमने अपनी माँ का प्यार, सारे रिश्तेदार तक तुम्हें देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें देखने तक भी नहीं आई है। कालू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था, वो उसे गांव में कभी देखने नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पास मिट्टू तोते का फोन आता है। हेलो कालू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। कालू जब वहाँ जाकर देखता है तो उसकी माँ बंद घोंसले के अंदर मरी पड़ी हुई है। शायद उसको मरे हुए 5-6 दिन हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। वो सो भी मानी थी, वो किसी का एहसान लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ पक्षियों ने उससे कहा था कि तुम इधर उधर मारी फिरती हो, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। कालू कौवा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर आता है तो पड़ोस के सभी पक्षी जमा होते हैं और वो कालू को धिक्कारने लगते हैं। कालू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे, चाची ने तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रखा, तुम सब भूल गए। कौन ऐसा करता है, तुम्हारी पत्नी ने तो उन्हें लड़ झगड़ कर वहाँ से भगा दिया, और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें अपना दिल तक दे दिया। ये बात सुनकर कालू को जैसे करंट लगा। क्या मुझको दिल देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा पाई, उन्होंने डॉक्टर से कह दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि दिल मैं दे रही हूँ, लेकिन वो बेचारा मेरी कमजोर हालत को देखते हुए दिल नहीं लेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे, मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे, अब वो बहुत पछता रहा था। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में भी अपने पास नहीं रख सका। अब कालू बहुत पछता रहा था, वो जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अपने नालायक बेटे को माफ कर देना। माँ माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तो तुम्हें अपनी दमड़ी तक नहीं दी और तुमने फिर भी मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। वो सर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कालू कौवा ने दूसरी शादी किससे की थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।